नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रामनवमी का पर्व शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर धनवार थाना सभागार में एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसका संचालन धनवार थाना प्रभारी पिंकू कुमार ने किया। बैठक में धनवार बीडीओ रामगोपाल पांडे, सीओ नरेश कुमार वर्मा के साथ मुखिया सहित कई जनप्रतिनिधि के साथ बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी शामिल थे। इस दौरान एसडीएम और एसडीपीओ ने लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ रामनवमी त्यौहार को मनाने की अपील की। कहा कि अखाड़ा जुलूस हर हाल में निर्धारित मार्ग का ही प्रयोग करें। कहा कि शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मेले का आयोजन में आम लोग भी विधि व्यवस्था कायम करने में प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन भी आपके लिए मुस्तैद रहेगी। कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट किया गया तो पोस्ट करने वालों के साथ साथ ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वही किसी तरह की दारू पर प्रतिबंध लगाने सहित कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। वही गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने का भरोसा दिया। शांति समिति की बैठक पूर्व में अनुमंडल स्तर पर की गई थी, आज परसन में और धनवार थाना में शांति समिति की बैठक की गई है। प्रखंड स्तर पर जो बिल्कुल समाज के लोग हैं और ग्रासरूट के लोग हैं, उन लोगों के बीच बैठ करके अपने संदेश को देने का काम किया गया, रूट का पालन करने का निर्देश दिया गया। साथ में शराब की भी बात आई है, उस पर भी छापामारी करने के लिए निर्देशित किया गया है और टीम काम भी कर रही है। मजिस्ट्रेट रहेंगे, पुलिस बल के जवान रहेंगे, हाईवा वगैरह जो है, जिस टाइम में खेलने की बात होती है, लाठी वगैरह या जो ग्रुप्स चलते हैं जुलूस के शक्ल में, उस समय उनको बंद किया जाएगा ताकि किसी तरह के एक्सीडेंट को कम किया जा सके या नहीं होने दिया जाए। पानी की व्यवस्था भी रहेगी, फायर ब्रिगेड भी तैयार स्थिति में रहेगा और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी ताकि किसी तरह की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हम लोग उसका सामना कर सकें। हम उम्मीद करते हैं रामनवमी बेहतर ढंग से मनेगा और किसी तरह की अफवाह की स्थिति अगर होती है तो हमारे पुलिस के पदाधिकारियों से, प्रशासन के पदाधिकारियों से संपर्क किया जाए। मीडिया से भी अनुरोध होगा कि आपको भी अगर कोई सूचना मिलती है तो अविलंब हम लोगों तक सूचना को भेजने का काम करें ताकि उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। तैयारी की गई जी, बिल्कुल पूरे अनुमंडल में जो है सभी थाने क्षेत्र में बैठक कर लिया गया है। शांति समिति के लोगों के साथ, सभी समुदाय के लोगों के साथ बैठक किया गया है और एक जो है रामनवमी का त्यौहार कैसे संपन्न हो, सबसे विचार विमर्श लिया गया। जहाँ भी रूट लाइन की बात है, जो पिछले साल या उससे पिछले साल कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, सभी को हम लोग ने फिजिकली थाना प्रभारी के साथ देख लिया है और आने वाले जो रामनवमी का त्यौहार है उसमें किसी भी तरह से विधि व्यवस्था में अगर कोई व्यवधान पहुंचाएगा उस पर हम लोग की कड़ी नज़र रहेगी। ड्रोन कैमरा सादे लिबास में भी हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे। इससे पहले हम लोग प्रत्येक थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकालेंगे, चूँकि इस के बीच में रमजान का त्यौहार भी है, सभी के भावना को देखते हुए कैसे रामनवमी का पर्व जो है संपन्न कराए, इसके लिए सभी को निर्देश दिया गया है कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और अखाड़े में जो टाइमिंग दिया गया है, हम लोग सभी से आग्रह किए हैं कि समय सीमा में वो जुलूस को वापस करें। कुल मिला के सभी जगह उम्मीद है और आप लोगों के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी को रामनवमी का त्यौहार मनाएं। मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो एडमिन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन है, वो भी अफवाहों से बचे। कोई भी ऐसा एडमिन जो एडमिन है उनको नज़र रखना है कि कोई भी ऐसा कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करे, क्योंकि आपत्तिजनक पोस्ट होगा तो सबसे पहले एडमिन पर कार्रवाई होगी। बाकी पुनः एक बार रामनवमी त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। वी टाइम न्यूज़ के लिए राजधनवार से प्रदीप मोदी की रिपोर्ट।